अगर आपने गाड़ी लोन पे ले रखी है तो आपने इस चीज़ को नोटिस जरूर किया होगा, अगर नहीं किया है तो आप कर लें। आप अपनी गाड़ी की आरसी देखिए, आरसी यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसमें लिखा हुआ होगा कि ये गाड़ी किस बैंक के हाइपोथिकेटेड है। जैसे मैं अपनी आरसी दिखा रहा हूँ आपको, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ हाइपोथिकेटेड टू आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक का इसमें अधिकार है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक वाले ने इसको लोन दे रखा है और ये गाड़ी लोन पे है और इसकी ईएमआई अभी जा रही है। मतलब कि गाड़ी जरूर मेरे नाम पे है लेकिन इसका पूरा अधिकार मेरे पे नहीं है, उस बैंक का भी अधिकार है और ये अधिकार तब तक रहेगा जब तक मैं ईएमआई कंप्लीट ना कर दूं, यानी कि लोन ख़त्म ना कर दूं। और लोन ख़त्म होने के बाद इसको हटाना काफ़ी ज़रूरी है और इसको हटाने के बाद ही आप अपनी गाड़ी को सेल आउट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप, जब तक आपकी गाड़ी में लोन चल रहा होता है यानी कि आपने ईएमआई कंप्लीट नहीं करी होती है, आप अपनी गाड़ी को उस दौरान बेच नहीं सकते। और इस हाइपोथिकेशन को हटाने के लिए उससे पहले आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। यानी कि सरल शब्दों में आप कह सकते हैं कि आपकी गाड़ी का अगर लोन खत्म हो जाएगा तो आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़ है लोन का क्लोजर, यानी कि लोन का भुगतान पूरी तरीके से कर देना। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप अपने टाइम पर आपकी ईएमआई कंप्लीट कर दीजिए, और जो दूसरा रास्ता है वो है लोन की फोर क्लोजिंग, यानी कि टाइम से पहले आप अपना लोन ख़त्म कर देते हैं एक साथ पेमेंट करके। अगर आपकी ईएमआई कंप्लीट हो रही है तो अच्छी बात है, आप जब ईएमआई लास्ट देते हैं, लास्ट वाली ईएमआई देते हैं, तब आप उनसे एक रिसिप्ट ले लीजिए कि आपका जो है लोन ख़त्म हो चुका है, आपने सारी पेमेंट कर दी है। अगर आप फोर क्लोजिंग करना चाह रहे हैं तो फोर क्लोजिंग करने से पहले आप सारी डिटेल ले लीजिए कि आपने टोटल कितना पेमेंट करना है, और उसमें चेक कर लीजिए कि वो पेमेंट सारी सही है या नहीं, किसके अकॉर्डिंग, जैसा आपका एग्रीमेंट हुआ था लोन लेने से पहले। अगर वो सारी चीज़ें सही है तब तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता चल जाएगा कि आपने एक साथ कितनी पेमेंट करनी है, वो पेमेंट कर दीजिए, तब भी एक रिसिप्ट ले लीजिए। और जिस दिन आप बैंक का लोन ख़त्म करते हैं उसके लगभग 2-3 वीक के बाद आपको एक एनओसी मिलेगी बैंक के द्वारा, और ये आपका फ़र्ज़ बनता है उसको कलेक्ट करना। एनओसी का मतलब है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये बैंक की तरफ से आपको मिलता है, यानी कि बैंक का आपकी गाड़ी पर आप कोई हक नहीं है। चलो ये तो आपको पता चल गया कि बैंक का आपकी गाड़ी के ऊपर कोई हक नहीं है, बैंक को भी पता चल गया, लेकिन दुनिया को कैसे पता चलेगा? दुनिया को तब पता चलेगा जब आप अपनी आरसी से उसका जो हाइपोथिकेशन है वो हटा दोगे। उसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनओसी वगैरह सारा कुछ ले जाकर आपको जाना पड़ेगा अपने आरटीओ ऑफिस जहाँ पर आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड थी, वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा, और सबमिट करने के बाद उनको बोलना पड़ेगा कि मुझे ये हाइपोथिकेशन हटाना है, और प्रूफ के तौर पर आपके पास होगी बैंक की एनओसी, और कुछ दिन के बाद आपको मिलेगी नई आरसी यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसमें हाइपोथिकेशन बिल्कुल नहीं होगा। अब आप गाड़ी के पूरे मालिक हैं, अब आप गाड़ी को बिल्कुल सेल आउट कर सकते हैं किसी को भी। तो एक बार आपके पास आपकी आरसी आ जाती है तो उसके बाद आपको इंश्योरेंस कंपनी को कॉन्टैक्ट करना है, उनके कस्टमर केयर नंबर से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आपने जो है अपने गाड़ी से हाइपोथिकेशन हटा दिया है और आपको इंश्योरेंस में भी अपडेट करना है, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले आपके इंश्योरेंस से भी हाइपोथिकेशन हटा देंगे। तो ये है कुछ जरूरी बातें जो गाड़ी का लोन खत्म करने के बाद आपको करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है हाइपोथिकेशन आपकी आरसी से हटाना, उसके बाद आप गाड़ी बेच सकते हैं। अगर बेचनी नहीं है तो आप अपनी गाड़ी के खुद पूरी तरीके से मालिक बन सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, और भारत माता की जय।